वरुण गांधी जी आपकी पार्टी के 3 बार के सांसद है, क्या लिख रहे हैं ये? सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या आप हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? आप अपने सांसदों को समझा पा रहे हैं ये योजना? ये वरुण गांधी का बयान है, संजय सिंह का नहीं है। मुझे आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, अब आपके सांसद का बयान है। दूसरी बात, आप अभी तक ये नहीं बता पाए, अभी तक आपने ये बयान नहीं दिया कि हां, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप अपने बच्चों को 10वीं के बाद अग्निवीर बनाएंगे और 4 साल के बाद इंटर का सर्टिफिकेट देके उसको सड़क पर बेरोजगार घूमने के लिए छोड़ देंगे। ये योजना बहुत अच्छी, क्रांतिकारी है, जितनी 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 बढ़िया बातें आप बता रहे हैं। और क्या क्या धारणा है आपकी? आपके नेता कहते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर गार्ड लगा देंगे, और जो नेता बयान दे रहे थे उनका बेटा विधायक है, वो बैट से मार रहा था एक अधिकारी को दौड़ा दौड़ा के, उसी को डंडा पकड़ा के बीजेपी दफ्तर के सामने खड़ा कर दीजिए, कैलाश विजयवर्गीय के लड़के को। ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की धारणा है। अग्निवीर योजना आने के बाद जो लोग आंदोलन कर रहे थे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग आपकी पार्टी ने किया उनके लिए। इसलिए भारत की सेना के सवाल पर आप क्या कर रहे हैं, कैसे उसको कमजोर कर रहे हैं, कैसे हमारी भारत की सीमा की सुरक्षा को आप कमजोर कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। उस पर आपने एक शब्द जवाब नहीं दिया कि भारत की सेना की कमी को पूर्ति करने के लिए आप क्या करेंगे।